नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेक फेलियर के बारे में। क्या कार और बाइक्स वगैरह के ब्रेक सच में फेल हो सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि आप चलते चलते एकदम से अचानक से ब्रेक लगाओ, आपको लगे ब्रेक लग ही नहीं रहा है, फेल हो गया ब्रेक? क्या कभी ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में? क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो गई ओवर द टाइम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की है, क्या आज भी ऐसा हो सकता है कि चलते चलते ब्रेक काम करना बंद कर दे और एकदम से आप जाके कहीं एक्सीडेंट हो जाए आपका? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों स्पेसिफिकली मना नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं ब्रेक नहीं फेल हो सकते, हो भी सकते हैं। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको पहले हल्का सा मैं ये बता देता हूँ कि ये ब्रेक्स जो है वो काम कैसे करते हैं। आजकल कारों में मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं उसमें एक फ्लूड होता है ब्रेक फ्लूड, जो कि आपके मास्टर सिलेंडर से लेके आपके कार के व्हील्स तक, जो ब्रेक पैड्स है वहां तक सारा का सारा प्रेशर जो है वो कैरी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हाइड्रोलिक फ्लूड है वो कैरी किया जाता है ब्रेक लाइंस के थ्रू। ब्रेक लाइंस यानी कि छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो कि आपके मास्टर सिलेंडर से लेके ब्रेक पैड्स तक फ्लूड कैरी करते हैं और वो फ्लूड प्रेशर जो है वो आगे होता है। एक लिक्विड में जब आप प्रेशर डालते हैं तो वो अनलाइक एयर कंप्रेस नहीं होता है, वो जितना प्रेशर जिधर से डाल रहे हो वो सामने की तरफ या आगे की तरफ जहाँ पे भी ओपनिंग मिलेगी वहाँ पे उतना प्रेशर वो लगा देगा, इसीलिए ब्रेक फ्लूड्स यूज किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभार ब्रेक लाइन्स अगर टूट जाए तो पूरा का पूरा ब्रेक फेलियर हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेक लाइंस जो होती है वो इतनी मज़बूत होती है कि वो टूटती नहीं है, अनलेस आप कहीं का कहीं आपका कोलिजन हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए तो उस सिचुएशन में तो हो सकता है कि ब्रेक फेल हो जाए। लेकिन ऐसे आम तौर पे भी क्या कभी ब्रेक फेल हो सकते हैं चलते चलते? तो चलो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि किस किस सिचुएशन में वैसा भी हो सकता है। ब्रेक्स जो है वो एक डिस्क रोटर होती है, एक ब्रेक रोटर्स होते हैं, आपने अगर देखा हो तो, जिनको मेनली हम डिस्क बोलते हैं जो दिखती है हमें व्हील्स के अंदर, वो रोटर्स जो होते हैं उन पे पैड्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन लगाते हैं तब जाके गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। अगर ये ब्रेक पैड और रोटर के बीच में आ जाए कोई लुब्रिकेशन, जैसे कि कोई ऑयल हो गया या और कोई लुब्रिकेटेड मटेरियल जो हो गया, अगर वो वहाँ लगा दिया जाए तो ब्रेक्स के बीच का फ्रिक्शन नहीं रहेगा। फिर आप ब्रेक में प्रेशर डालेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर, आगे जाके पैड्स पे प्रेशर तो लगाएगा लेकिन वो प्रेशर दोस्तों फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा और गाड़ी के ब्रेक प्रॉपरली लग नहीं पाएंगे। ये चीज आप घर पे ट्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आपका एक दूसरा वाला ब्रेक जो है सलामत हो। कार में तो बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, बाइक पे आप कर सकते हैं। अगर आपके बाइक में डिस्क ब्रेक है तो फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है उसके आप ऑयल स्पिल कर दीजिए उस पर, फिर आप अगर उसे चलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे ब्रेक लगाने के बाद भी ब्रेक लग नहीं रहे हैं या बहुत ही कम लग रहे हैं। आप पूरा प्रेशर लगा रहे हो फिर भी ब्रेक बहुत कम लग रहे हैं। रियर ब्रेक उसको मत छेड़िएगा, आप उससे गाड़ी रोक सकते हैं। और फिर जब आप उस पूरे ऑयल को साफ करोगे उसके बाद एक दो दिन बाद में प्रॉपरली ब्रेक लगना शुरू होंगे। तो हो सकता है अगर वहाँ पे कोई लुब्रिकेशन लग जाए ब्रेक पैड और ब्रेक रोटर के बीच में तो वहाँ आपके फ्रिक्शन कम होने के कारण ब्रेक फेल हो सकते हैं। एक चांसेस ये हो सकता है कि आप काफ़ी देर से आपने ब्रेक लगा रखा है और काफ़ी देर से ब्रेक लगाने के कारण जो रोटर है और जो पैड्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। हालांकि ये रोटर और पैड्स जो होते हैं वो 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आराम से झेल लेते हैं, लेकिन मान लो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए तो उस चक्कर में हॉट होने के कारण उनका फ्रिक्शन जो है वो पूरी तरह खराब हो जाएगा और वहाँ पे भी ब्रेक फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तीसरी सिचुएशन तब होती है जब आपके ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो घिस के पूरी तरह से जो है खराब हो चुके हैं, उस सिचुएशन में वो फ्रिक्शन प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे भी ब्रेक जो है वो प्रॉपरली लग नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों सारी की सारी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई इनमें से कोई भी सिचुएशन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकती कि एकदम से ब्रेक फेल हो जाए चलती चलती गाड़ी के, क्योंकि ऑयल स्पिल हो सकता है आपके डिस्क पैड और जो रोटर है उसके बीच में ऑयल स्पिल हो सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही है 50 60 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कौन जाके वहाँ पे ऑयल स्पिल करेगा, कैसे ऑयल उछल के वहाँ तक आएगा? ये बहुत ही लेस प्रैक्टिकल सिचुएशन है, बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी प्रैक्टिकल नहीं है जहाँ पे ब्रेक फेलियर हो जाए। मॉडर्न कार्स में ब्रेक फेलियर देखने को नहीं मिलता है, बहुत 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 रेयर हो गया है ब्रेक फेलियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ब्रेक फेलियर के बारे में। आप बिल्कुल सीखिए कि अगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो आपको गाड़ी को कैसे रोकना है। पहले के ज़माने में गाड़ी के ब्रेक फेलियर के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते थे क्योंकि काम में ली जाती थी एक वायर वाली टेक्नोलॉजी, जो कि आज भी रियर ब्रेक्स में काम में ली जाती है। एक पार्किंग जो हैंड ब्रेक होता है वहाँ से एक वायर कनेक्टेड होता है रियर ब्रेक्स के ड्रम्स में और वो जाके ब्रेक लगाता है। वो टेक्नोलॉजी में दो दिक्कतें थी, एक तो उसके ब्रेक का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था कि वो हाई स्पीड कार ज़्यादा वेट वाली कार को रोक पाए, और दूसरी चीज़ उसमें काफ़ी सारे और भी एक प्रॉब्लम थी कि वो टूट जाता था ओवर द टाइम या कई बार उसको काटने में आसानी होती थी। तो उन सारी सिचुएशंस में क्या होता था, ब्रेक फेलियर हो सकता था। आजकल ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज में ली जाती है जो मोटरसाइकिल्स होती है जो कि एंट्री लेवल की होती है उनमें, या फिर जो कार्स में रियर ड्रम ब्रेक्स होते हैं उनमें।
तो जो भी वायर वाली चीजें हैं वहां ब्रेक फेल हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक्स वाली चीजों में ब्रेक फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। ब्रेक फेल के बारे में इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये जो मॉडर्न पावर असिस्टेड ब्रेक्स है वो काम कैसे करते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए डेली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नई न्यूज और इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।